आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके ग्रामर की बुक का पेज नंबर 55 का लेसन 6, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। ठीक है, देखिए कारक क्या होता है। हिंदी भाषा के समान ही संस्कृत में भी कार्यों का व्यवहार होता है। अंतर केवल इतना ही है कि हिंदी के कारक चिन्ह विभक्ति शब्दों से अलग लिखे जाते हैं, संस्कृत में वे शब्द के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे राम के का क्या हो जाएगा, रामस। देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट लाइन देखिए इसकी, हिंदी भाषा के समान ही संस्कृत में भी कारकों का व्यवहार होता है ना। तो हिंदी भाषा के समान ही मतलब ये कह रहा है कि जो हम हिंदी में कर्ता ने, कर्म को, करण से ये सारे पढ़े हैं ना, कारक और चिन्ह दोनों पढ़े हैं, तो इसी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को हम परिवर्तित कर देते हैं सेंटेंस बनाते समय, तो वो क्या कहलाती है, विभक्ति कहलाती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारी क्या कहलाती है, विभक्तियाँ कहलाती है। जैसे जहाँ ने चिन्ह लगा है तो उस ने चिन्ह में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और यदि सेंटेंस में, जो हम सेंटेंस बना रहे हैं संस्कृत का, तो उस सेंटेंस में यदि एक वचन का सेंटेंस है तो एक वचन लगेगा प्रथमा के साथ में, एक वचन का सेंटेंस बनेगा। यदि द्विवचन का है तो प्रथमा के साथ में द्विवचन का लगेगा। ठीक है, ये सब आगे अभी मैं समझाऊंगी। तो जो कारक होते हैं और जो कारक चिन्ह होते हैं उसी को हम संस्कृत में बदल देते हैं, सेंटेंस बदलते हैं, तो क्या बस सेंटेंस बनाते समय वो क्या कहलाती है, विभक्ति कहलाती है। मतलब जहाँ को लग रहा है तो जहाँ को शब्द आ रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, जहाँ से के द्वारा ये आ रहे हैं वहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसमें क्या कहा है कि अंतर केवल इतना ही है कि हिंदी के कारक चिन्ह विभक्ति शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। ठीक है ना, हिंदी के कारक चिन्ह जो हमारे ने, को, से, के द्वारा ये वाले सारे चिन्ह हैं ना, वो शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया है राम के और रामस्य। ठीक है ना, तो जो के शब्द दिया गया है, के अक्षर जो दिया गया है वो क्या है, चिन्ह है हमारा, है ना, ये किसका चिन्ह है, कारक का चिन्ह है। लेकिन इसी को हम यदि संस्कृत में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रामस्य। तो ये यही कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, हिंदी के कारक चिन्ह विभक्ति शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। विभक्ति शब्दों से अलग लिखे जाते हैं मतलब देखो राम लिखा है और राम जो चिन्ह होता है वो के अलग लिखा गया है। ठीक है ना, लेकिन ये जो रामस्य दिया गया है यहाँ पर, राम के का ही अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, रामस्य दिया गया। तो संस्कृत में जो शब्द है वो क्या है, देखो जुड़ गया है, रामस्य हो गया है। लेकिन जब इसी शब्द को कारक में लिखा गया है तो किस में हो गया है, राम के जो है वो राम चिन्ह बता रहा है कि राम के, और संस्कृत में क्या हो गया, रामस्य। ओके, फिर है कारकों की विभक्तियों का प्रयोग समझने से पूर्व कारक और विभक्ति का अंतर समझ लेना चाहिए, कार्य समझ लेना चाहिए। कारक के द्वारा क्या बताया गया, कैसे समझा रहा है, देखो कारक के द्वारा वाक्य में आए शब्दों का क्रिया से संबंध बताया जाता है। क्या बोल रहा है, कारक के द्वारा वाक्य में आए शब्दों का क्रिया से संबंध बताया जाता है। यहाँ पर क्रिया मीन्स क्या हो जाता है, हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, है ना, ये सारी क्या होती है, हमारी क्रियाएँ होती है। क्रिया को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो कारक के द्वारा वाक्य में आए शब्दों का क्रिया से संबंध बताया, जो शब्द दिया गया है हमको, ठीक है ना, जैसे राम जाता है तो इसमें जाता क्या है, क्रिया है। तो कारक जो है वो किससे संबंध बताता है, क्रिया से संबंध बताता है। कारक के द्वारा वाक्य में, कारक जो में जो वाक्य आते हैं वो किस, कारक में जो वाक्य आते हैं वो सीधा किससे संबंध बताते हैं, क्रिया से संबंध
बताते हैं, ठीक है। तथा जिन चिन्हों या प्रत्ययों के द्वारा यह स्पष्ट होता है वे कारकों की विभक्तियाँ कहलाती है। फिर से देखिए, चिन्हों या प्रत्ययों के द्वारा संबंध स्पष्ट होता है। चिन्ह, चिन्ह जो दिया गया यहाँ पर ने को, है ना, तो इन ने और को यदि हम विभक्ति में बदलना चाहते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति हो जाती है। सेंटेंस के हिसाब से वो हमको विभक्तियों में बदल देते हैं। उदाहरण दिया है देखो इसमें, जैसे बालक ने पाठ पढ़ा, ठीक है, बालक ने पाठ पढ़ा। इस वाक्य में बालक ने कर्ता कारक है, ठीक है ना, कर्ता कारक। यहाँ पर चिन्ह कौन सा है इसमें, ने। देखो यहाँ पर दिया गया है ने, बालक ने पाठ पढ़ा। कैसे पता पड़ा हमको कि ये कर्ता कारक है, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पर ने चिन्ह दिया है ना ने चिन्ह दिया है, इसका मतलब ये कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। फिर परंतु केवल ने कर्ता कारक की विभक्ति है। अब यहाँ पर जो ने दिया गया है वो कर्ता कारक की क्या हो गई, विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया हमको कि जो कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, जो कारक होते हैं और जो चिन्ह होते हैं कारकों के, जो चिन्ह होते हैं जहाँ पर ये चिन्ह आते हैं ने को से के द्वारा, तो जहाँ पर ये चिन्ह आते हैं उन चिन्हों को जब हम संस्कृत का सेंटेंस बनाते हैं कोई, तो किस में बदलते हैं, विभक्ति में बदलते हैं, ठीक है। फिर है संस्कृत में छह कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं, संस्कृत में छह कारक होती है तथा उनकी सात विभक्तियाँ होती है। सात विभक्तियाँ होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, संबंध के लिए किया जाता है। संस्कृत भाषा में संबोधन को कारक नहीं माना जाता। अब देखो क्या है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, छह कारक होते हैं, और क्या बोल रहा है कि उसकी जो विभक्तियाँ होती है वो कितनी होती है, सात होती है। कौन कौन सी विभक्तियाँ होती है देखते हैं हम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये सात विभक्तियाँ होगी। अब ये क्या कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध के लिए किया जाता है। तो षष्ठी विभक्ति है, देखो हमारी षष्ठी विभक्ति में कारक क्या है, संबंध कारक है ना, हमको नाम से ही पता पड़ रहा है कि संबंध कारक है। और षष्ठी विभक्ति तो जहाँ पर संबंध बनाया जाता है, जहाँ पर एक दूसरे पर सेंटेंस में कोई संबंध आता है तो वहाँ पर क्या लग जाता है, का, के, की, रा, रे, री, ये सारे शब्द लग जाते हैं। तो इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, संबंध के लिए करेंगे। जहाँ पर का, के, की, रा, रे, री ये सारे शब्द आएंगे वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का उपयोग करेंगे। अब हो रहा है संस्कृत भाषा में संबोधन को कारक नहीं माना जाता, ठीक है। संस्कृत भाषा में जो संबोधन कारक होता है वो कारक में नहीं माना जाता है। और ये भी हम ध्यान में रखेंगे इसमें कि जो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है ना, तो जो प्रथमा विभक्ति होती है वही लगभग संबोधन में अभी आती है। जैसे हम शब्द रूप में पढ़ते हैं कि बालकः, 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 फिर लास्ट वाली वही हो जाती है, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः हो जाती है ना। तो ये संबोधन, संबोधन मतलब किसी के लिए हम आदर सूचक जो शब्द यूज़ करते हैं उसके लिए हम ये वाली विभक्ति यूज़ करते हैं। कारक में तो इसको नहीं मानते हैं, लेकिन जब हम कोई संस्कृत का सेंटेंस बनाते हैं तो हम इसमें इसकी गिनती कर लेते हैं, ओके। अब आगे देखिए, कारक विभक्तियों का प्रयोग, जो हमने कारक बताए हैं अभी पीछे, कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सारे जो कारक बताए हैं ना, इन कारकों के आपके बुक में केवल एक एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है ना। पीछे आपके पूरे जो 7-8 जितने भी आपके कारक है उसमें केवल एक 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 दो एग्जांपल दिए गए हैं,
यहाँ पर मैंने सारे एग्जाम्पलों के लिए समझाया, तो ये अलग अलग आपके सारे अलग अलग कारक अलग अलग विभक्ति हम पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या दिया गया है, कारक विभक्तियों का प्रयोग। कर्ता कारक, फर्स्ट क्या है हमारा, कर्ता कारक। कर्ता कारक में हम हमेशा कौन सी विभक्ति का उपयोग करेंगे, प्रथमा विभक्ति का उपयोग करेंगे। और इसका चिन्ह कौन सा है, ने। कर्ता का चिन्ह कौन सा है, ने। ठीक है, क्रिया करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जो भी हम काम करते हैं, ठीक है ना, जो भी हम काम करते हैं तो उन काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा, हम में लगभग तीन चीज़ें होती हैं जो भी हम कार्य करते हैं ना। तो जैसे राम जाता है, राम जाता है तो इसमें जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। फर्स्ट तो जो है जाने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना। तो राम की क्रिया क्या है, जाने की क्रिया है। ठीक है, अब ये इसमें कर्ता कौन है, राम है। क्यों राम है, क्योंकि राम जाने का कार्य कर रहा है ना। तो जो कार्य करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति हमारी क्या होती है, राम बालकः बालकौ बालकाः। इसी प्रकार से यदि हम राम की बनाते हैं, राम जाता है, ये अब ये एक वचन है, एक वचन का सेंटेंस है। ठीक है, तो राम जाता है तो यहाँ पर हम कर्ता कौन है, राम है। तो इसको क्या करेंगे, रामः रामौ रामाः, है ना। तो राम जो है वो कौन सा वचन है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामः। और जाता है, जाता है जो हमारी कौन सी क्रिया है, गच्छ। गच्छ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, गच्छति, रामः गच्छति। फिर है लता हँसती है। अब ये देखेंगे इसमें ये लिंग कौन सी है, लिंग कौन सी है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का सेंटेंस है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे हम कि क्रिया क्या है इसकी, हंसने की क्रिया है। तो हँसती है ये क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और इसमें कर्ता कौन है, लता है। क्यों है, क्योंकि हंसने का काम कौन कर रहा है, लता कर रही है ना, इसलिए कर्ता कौन हो जाएगा, लता हो जाएगी। तो अब लता का शब्द रूप एक वचन देखेंगे, लता हँसती, एक वचन क्या है इसका, लता। और हँस जो है हमारी क्या है, क्रिया है, धातु है, तो क्या हो जाएगा, लता हँसती। अब है शिक्षक पढ़ाते हैं। अब ये जो है शिक्षक पढ़ाते हैं, ये तो है कौन सा हमारा, पुल्लिंग का सेंटेंस है, साथ साथ में किसका सेंटेंस है, ये बहुवचन का। पढ़ाते हैं बोला गया है ना, इसलिए क्या हो गया, बहुवचन, बहुवचन का सेंटेंस है। अब इसमें देखेंगे कि हम कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। कर्ता इसमें कौन सा है, शिक्षक। और शिक्षक जो है वो क्रिया क्या कर रहे हैं, पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। तो पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए क्रिया क्या हो गई इनकी, पढ़ाना। और कर्ता क्या हो गया, शिक्षक। तो शिक्षका, शिक्षक पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षका पाठयंती। दो कन्याएं हँसती है, ये भी हमारा स्त्रीलिंग का सेंटेंस है। अब यहाँ पर दो कन्याएं बोला गया है, कितनी कन्याएं बोला गया है, दो कन्याएं हँसती है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, दो कन्याएं। और क्रिया का क्या कर रही है, ये दोनों कन्याएं क्रिया कौन सी कर रही है, हँसने की क्रिया कर रही है, हँसने का काम कर रही है। अब देखो जो काम करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है ना, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, दो कन्याएं। इसलिए दो कन्याएं बोला गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्ये। और हँसती तह अंति, तो तह जो है वो बहु द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा, हँसतः, कन्ये हँसतः। अब वे छात्र लिखते हैं, वे छात्र, ये भी कौन सा सेंटेंस है, बहुवचन का सेंटेंस है ना, वे छात्र बोला गया है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, लिखना,
लिखने की क्रिया कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, तो छात्र कौन हो जाएगा, कर्ता, और क्रिया कौन हो जाएगी, लिखना। अब यहाँ पर वे छात्र लिखते हैं बोला गया है, इसलिए यहाँ पर वे के लिए हम क्या लगाएंगे, सह, तउ, ते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ते। अब छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा, और चूंकि यहाँ लिखते हैं बहुवचन का है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखंती। राजा खाता है, राजा को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, नृपः। खाने का काम कौन कर रहा है, राजा, इसलिए क्या हो जाएगा, राजा जो है वो कौन है, करता है, और खाने का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया हो जाएगी, तो राजा, राजा मीन्स नृपः, नृपः खादति। राम देखता है, रामः पश्यति, रामः रामौ रामा, एक वचन हो गया ये, और देखता है, देखता है क्या हो जाएगा, पश्यति, पश्य पश्य मीन्स क्या होता है, देखना। मैं यहाँ खेलता हूँ, अब जबकि आपको धातु रूप समझाया गया था उस समय बताया था मैंने कि जहाँ पर मैं आता है वहाँ पर कौन सा पुरुष हो जाता है, उत्तम पुरुष हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पर मैं है, मैं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अहम। यहाँ यहाँ का क्या हुआ, यहाँ पर अत्र, और खेलता हूँ, खेलता हूँ मीन्स क्या हो जाएगा, क्रीड़ामि, क्रीड़ामि क्यों हुआ, क्योंकि मी वह मह मध्यम पुरुष है, ए सॉरी उत्तम पुरुष है, क्या हो जाएगा, अहम क्रीड़ामि। अनेक हाथी धीरे चलते हैं, गजा शनैः चलन्ति, अनेक हाथी दिया गया है इसलिए क्या हो गया, गजा, धीरे का क्या हुआ, शनैः, और चलते हैं चलन्ति। दो मृग तेज दौड़ते हैं, अब यहाँ पर कौन सा वचन है, कौन से वचन का सेंटेंस है ये, द्विवचन का, दो मृग बोला गया है ना, तो क्या हो जाएगा, मृगौ तीव्रम धावतः, मृगौ क्यों हुआ, क्योंकि द्विवचन दिया गया है, मृग मृगौ मृगा, तेज, तेज का क्या हो जाएगा, तीव्रम, और दौड़ते हैं का क्या हो जाएगा, धावतः। ओके।